खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि शहरी विकास सचिव ने स्थानीय निकायों में आउटसोर्स संविदा और दैनिक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है, जिससे उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। इसी दौरान प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार ने कहा कि सरकार ने अगर इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लिया तो पूरे उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कर्मचारियों को नियमित करने और उनकी नौकरी सुरक्षित करने की मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं और हमने लगातार 11 सूत्री मांग पत्र दिया था कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हमारे उनको नियमित किया जाए और ठेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए। किंतु बड़े खेत का विषय है कि स्थानीय निकाय में सफाई कर्मचारी श्रम कर्मचारियों की जो उत्पीड़न किया जा रहा उससे हम लोग बहुत रुष्ट हैं। समाचार पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि शहरी विकास सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया है गया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा दैनिक कर्मचारी जो निकाय में कार्यरत है उनकी तत्काल सेवा समाप्त की जाए, तो जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि नगर निकायों की समस्याओं का समाधान किया जाए। हम नगर विकास मंत्री जी से बार बार मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का समाधान न करते हुए आज उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि निकायों में जो कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनकी सेवा समाप्त की जाए, जिसका हम लोग पूरे उत्तराखंड में विरोध करेंगे। अगर जब तक इस शासनादेश पर रोक नहीं लगेगी हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, चाहे हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करनी पड़े।